दोस्तों, अगर आप भी प्रभु सिमरन सिंह और शिखर धवन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रभु सिमरन सिंह के शतक पर वीरेंद्र सहवाग ने दिया सनसनीखेज बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह ने शतक लगाकर सभी को अपना दीवाना बनाया है। इस बीच दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने प्रभु सिमरन की तारीफ की और तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार प्रभु सिमरन सिंह की तूफानी पारी को देखकर वीरेंद्र सहवाग ने क्या बयान जारी किया, या तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, प्रभु सिमरन सिंह, शिखर धवन और डेविड वार्नर में कौन है विस्फोटक बल्लेबाज, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, पंजाब और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला दिल्ली के घरेलू मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में पंजाब के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की। इस दौरान प्रभु सिमरन सिंह ने 65 गेंदों पर 158 के स्ट्राइक रेट से 10 चौके और 6 छक्के की मदद से 103 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सभी को हैरान कर दिया, जहां पर 45 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर जाने के बाद उन्होंने टीम की जिम्मेदारी के साथ संभाला और पहले 15 गेंदों पर 93 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अगली 15 गेंदों पर 87 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। लेकिन इसके बाद उन्होंने 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए छक्के और चौकों की बारिश करते हुए कोहराम मचाया, जिसके चलते पंजाब की टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गई। इस दौरान प्रभु सिमरन की तूफानी बल्लेबाजी को देख वीरेंद्र सहवाग का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में प्रभु सिमरन सिंह की तूफानी पारी देखने को मिली है। प्रभु सिमरन सिंह ने जो बेहतरीन पारी खेली है उसका मैं काफी ज्यादा दीवाना हो गया हूँ, क्योंकि प्रभु सिमरन सिंह इस मुकाबले में एक ऐसी पारी खेली जिसके लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। प्रभु सिमरन सिंह के पास में बताकत है शायद किसी और खिलाड़ी के पास ना हो। हालांकि पंजाब की टीम ऐसे ही विस्फोटक बल्लेबाजों से भरी हुई है, लेकिन पंजाब की टीम के पास उनकी किस्मत में ही है जिसके चलते वह लगातार हारती है। पंजाब की बल्लेबाजी उनकी ताकत है, जिसका एक और महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभु सिमरन सिंह है। प्रभु सिमरन सिंह ने जो जबरदस्त बल्लेबाजी की उसकी तारीफ हर तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इस बल्लेबाज ने वास्तव में एक ऐसा प्रदर्शन किया है जो मुकाबले के रिजल्ट को पूरी तरीके से बदल सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पंजाब की टीम विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। पंजाब की टीम की तरफ से कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो लगातार मैच को पलटने का काम करते हैं। इस मुकाबले में बेशक जीतेश शर्मा का बल्ला न चला हो, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया। प्रभु सिमरन सिंह की इस बल्लेबाजी ने सभी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है और प्रभु सिमरन सिंह ने पहले भी काफी ज्यादा बेहतर पारी पंजाब के लिए खेली थी, लेकिन उन्होंने इस पारी से टीम का स्कोर कार्ड बेहतर किया। लेकिन यहां पर इस मुकाबले में प्रभु सिमरन सिंह ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया। प्रभु सिमरन सिंह ने पहली 30 गेंदों पर बेहद धीमी बल्लेबाजी करते हुए टीम को जिम्मेदारी से आगे ले जाने का काम किया, लेकिन पूरे तरीके से सेट हो जाने के बाद उसके और चौकों की बारिश कर इस मुकाबले में शतक लगाया। प्रभु सिमरन सिंह के शतक को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों, प्रभु सिमरन की तूफानी पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।